Easy. Easy. बट एक चीज बता, मैं भूल गया कि मैं बिहारी होता ना, बिहारी एक्सेंट में बोलता तो मेरे 3-4 मिलियन व्यूज हो जाते, क्यों क्या है ना। और अपने इंट्रोडक्शन दो, जैसे तुमने स्टार्ट करना था बता रहे थे प्रॉब्लम, वैसे बताओ क्या नाम क्या नाम है। यश। यश पूरा? यश हस्तोगी। कहाँ से आए हो? बुराड़ी से। बुराड़ी से आए हो? अच्छा, क्या क्या दिक्कत तुम्हारे पैक में क्या है? मतलब लोअर बैक में ना थोड़ी एक आर्च है कर्व टाइप। हाँ। तो मतलब जैसे मैं कभी डेडलिफ्ट कर ली, मतलब अब तो मैं मतलब काफी टाइम से कर नहीं रहा, या फिर कर रहा हूँ तो बहुत लाइट वेट से कर रहा हूँ, मगर जब मैं उस टाइम पे भी करता था तो करने के बाद थोड़ा मतलब 1-2 दिन तक मेरे उसमें पेन रहता था। जैसे अब मैं स्क्वाट्स भी कर रहा हूँ तो मतलब लाइट वेट से स्क्वाट्स कर रहा हूँ, बट उसमें तब भी ये इशू आज भी आ रहा है। तुम्हारे जो आर्च है, हाँ, उसको बैक भी बोल सकते हैं कि आर्च बोल सकते हो? नहीं, बैक है, लोअर बैक है, लोअर बैक में आर्च है ना स्पाइन। अच्छा, तो वो आर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मतलब लॉन्ग टर्म में शायद प्रॉब्लम कर सकता है, खराब कर देगा। अच्छा, और यही आपकी प्रॉब्लम है? हाँ, मेरी भी यही है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित है, हर्षित रसो। अच्छा, दोनों भाई हो क्या? हाँ, वो कजन्स है। सो हर्षित की क्या दिक्कत है? मेरा सर मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हल्का सा टेढ़ापन लगता है चलते हुए, या फिर जब मैं बेंच करता हूँ तो मेरे को राइट वाली साइड डोमिनेटिंग लगती है मेरी एज कम्पेयर टू लेफ्ट। ये इशू है। हाँ, तो मैं इसलिए एक एडजस्टमेंट और क्या कहते हैं कपिंग का सोचा था, क्योंकि मेरे को 4 साल से ज्यादा वर्कआउट करते हुए मतलब तो मैंने कभी करवाया ही तो सोचता मसल स्टिफ हो गई हो। तो सप्लीमेंट खाते हो? मैंने अभी स्टार्ट किया था 2 साल पहले स्टार्ट किया। सप्लीमेंट लेते हो? हाँ, ओनली प्रोटीन। ओनली प्रोटीन? हाँ। डेकर का नहीं लिया? अरे नहीं सर, ऐसे स्टेरॉइड वगैरह। टेस्टोस्टेरोन तो स्टेरॉइड नहीं होता? नहीं सर, स्टेरॉइड होता है। होता है सर, वो मैंने आपकी वीडियो देखी है, सारी देखी मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी। अच्छा, अभी तक ट्राई भी नहीं किया 2 साल से ज्यादा? नहीं सर, मैं स्टेरॉइड होता सर, आपको ऐसे इतने थोड़े पतले थोड़े दिखते हैं, अच्छे खासे सही दिखते। तो मैं एडजस्टमेंट भी दिखाऊंगा, उसके बाद में ये लोग लड़के कपिंग कराने आएंगे। और पहले तो बता दूं, मैं इतना जैसे तुम सोच रहे हो ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा, ठीक है, अगर तुम सही सोच रहे हो तो मैं वीडियो नहीं बनाता। लोगों को कैसे पता चलता कि वो चीज़ तुम गलत सोच रहे हो? ठीक है, तो अति स्पाइन है ना, क्योंकि पेल्विस अब नीचे की तरफ डिप करने लग जाती है, कर्वेचर अल्टर हो जाता है, ये सीधा हो जाता है और आपका बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, वो होता है नेचुरल, कर्वेचर तो होने ही चाहिए, कर्वेचर खत्म हो जाएगा नॉर्मल खड़े होने वाली पोजीशन में, तो स्टिफनेस आ जाएगी, तो तुम्हारी स्पाइन की ऐसी दिसी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्पाइन को देखा जाता है लेट के, जब वो लेटती है ना स्पाइन, तब उसकी रेस्टिंग पोजीशन आ जाती है कि वो अपने सबसे रिलैक्स पोजीशन में स्पाइन आती है, जब वो उल्टा लेटता है या सीधा लेटता है। ठीक है, तो तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हारे सारा जो भी एक्सरसाइज करते हो उसमें प्रेशर नहीं आता। अच्छा, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, प्रेशर तो आएगा क्योंकि बैक तो यूज होगी, न्यूज तो यूज होंगे। आपको कोशिश करना है कि उतना वेट उठाओ हमेशा ही, जितना आप कर सकते हो, किसी भी जगह पे कहीं पे कोई भी गुरु होगा, कोई भी कुछ भी होगा, वो हमेशा एक ही चीज बोलेगा, जितना कर सकते हो उतना करो, तुम हमेशा जिंदगी में ऊपर जाते हो। जिस दिन तुम अपनी क्षमता से ज्यादा कर लोगे, तुम्हारी क्षमता है 2 रोटी खाने की, तुमने 4 रोटी खा ली, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने लाइक रेडी है ना, आ जाओ एक एक एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे कुछ है, अगर नहीं है तो हम फटाफट एडजस्टमेंट करेंगे। आ जाओ, मास्क निकालो, जैकेट निकालो। तुमने कहाँ पे देखा हमारा
मैं काफी पहले से देख रहा हूं मतलब मैंने मेन तो इन्फ्लुएंसर्स हां भी आते हैं तो मतलब थोड़ा वहां से मैं हमारे लिए इन्फ्लुएंसर हूं अच्छा हां तो उससे कम नहीं हो इसने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके मसल्स बनाई हुई हैं तो मसल्स फील करने में बहुत अच्छी हैं बहुत बढ़िया हैं नॉर्मल बैक का कर्वेचर भी है वो भी ठीक है अच्छी बात है मैं इसके दोनों ऐसे ही जॉइंट देख सकता हूँ यहाँ पे इंबैलेंस है फील हो रहा है थोड़ा सा पैरों में देख सकते हैं मिसअलाइनमेंट है ये राइट वाला लेफ्ट वाला पाँव अंदर की तरफ थोड़ा सा जा रहा है उसी की वजह से इसको राइट साइड में ज्यादा फील होता होगा पेन कंपेयर टू द लेफ्ट में इजी इजी रखते हैं अब आराम से बिल्कुल नाइस कैसा था मजा ही था हाँ आ गया मजा चंद मिनट में इधर बट ये व्यूअर्स नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि वो खुला है लेकिन उसकी इतनी लाउड आवाज नहीं है राइट इसका भी ठीक है बट थोड़ा सा कम है बट ठीक है इसके जॉइंट्स एक ही पोजीशन पे हैं जो मैं फील कर सकता हूँ बैक भी लंबी है थोड़ा सा ना के बराबर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बहुत ना के बराबर आप देख सकते हैं ये जो टॉल बैक होती है लेटने में वो ज़्यादा हेल्दी होती है कंपेयर टू जैसे कि ये लेटा था तो दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है या कुछ है बट इसको हम ज्यादा अच्छी लॉन्ग बैक बोलेंगे ठीक है तो ये न्यूट्रल पोजीशन जब रेस्ट करने के बाद भी लंबी रहती है दिस इज द बेस्ट थिंग हाँ पीछे इजी रिलैक्स इजी माय सीरी सेइंग आई एम रिलैक्स बट अलर्ट सीरी रिलैक्स नाइस Easy. Nice, nice. Easy, one more. Nice. Turn. Meet the Philip. Easy. Super. Itna tight hi nahi hai. सीरियस की बैक लंबी है उधर समझ गए आप ताकत हाथ मुट्ठी में होती है ताकत बॉडी में नहीं होती है ध्यान रखना इजी नाइस सीधा इजी रिलैक्स Super.
तुम लोग की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई और वैसी हुई जितना तुम सोच के आए थे। हाँ मतलब बट मेरे को बस यही था एक मेन की कोई इशू ना हो ये कि मतलब जैसे लोअर बैक में इशू बनाना आना चाहिए। अच्छा बनाना नहीं आता हम तो अभी बना देंगे इशू उसमें क्या है। नहीं वो नहीं मेरे को मतलब काफी टाइम से लग रहा था कि मैं मतलब काफी टाइम से ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ और मतलब बैक उतनी मतलब मेरी वीक है थोड़ी वीक इन द सेंस मतलब उतना रिस्पॉन्स आता नहीं ट्रेनिंग में। वो रिस्पॉन्स कुछ नहीं वो नेचुरल है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वही ठीक है जो तुम कर रहे हो। हाँ तो मेरे को इससे लगा कि मसल थोड़ी खुलेगी तो मे बी और अलाइनमेंट का मेरे को स्क्वाट्स वाला था टाइम में भी लगता था कि थोड़ा ऊपर नीचे है थोड़ा सा बहुत ना के बराबर बट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो ठीक लगी हो आप ही बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले आप लोग भी कर लेना अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर भी करें है ना। और कोई भी कमेंट हो सर ने मतलब अच्छा गाइड करा है हिसाब से कि जैसे हमारे साइड इतने बंदे नहीं है कि हमें गाइडेंस दे सके तो आप आ सकते हैं यहाँ पे विजिट करें सर के पास। अच्छा हमारे साइड जैसे दिल्ली और मैं बुराड़ी बहुत दूर है लोग कहाँ कहाँ से जम्मू से पटना से सब सब जगह से आसाम से आ जाते हैं। बुराड़ी तो एक घंटे का रास्ता है। हाँ, ना हफ्ते में 15 दिन में 1 महीने में आने के लिए बहुत दूर नहीं। थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी क्वेश्चन हो हमसे पूछें और इस वीडियो को तब तक ना छोड़े जब तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप पहली बार देख रहे हैं और लाइक आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।